ये घर का एक कहते हैं बिजनेस का वो भी समझ सकते हैं स्रोत। आप भी बता सकते हैं हमें कि ये सूखे पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियो के। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं रियल। अभी मैं अपने घर जाऊंगा, इंडिया जाऊंगा, जैसे दिल्ली में रहता हूँ, जब मैं घर जाऊंगा अगर मैं उत्तराखंड जाऊंगा पहाड़ में, वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगा आपको, काफ़ी हरे भरे हैं। उधर का व्यू भी कुछ अच्छा है, अलग है अपना अपने आप में, लेकिन यहाँ का भी कुछ लॉयल है, इतना खराब नहीं है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, काफी सुंदर। ब्लॉग्स को सारे पार्ट पार्ट करके डालूँगा क्योंकि वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है, देखें काफ़ी शांति है यहाँ पे।
चेक की है, मस्टैंग सारे व्यूज हैं ओमान के। ये भाई हमारे साइकिलिंग कर रहे हैं, बसें सेम अपने इंडिया की डीटीसी की तरह। इंडिया में हमारे डीटीसी मिलती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसी की तरह यहाँ पे अलमार की बस होती है, सेम है, थोड़े चेंजेस है बस, वाईफाई मिलता है। फाइनली हम इधर पहुंच गए हैं, स्टॉप पे हमने जाना है, वहाँ से आपको दिखाएंगे व्यू इंडिया की, इंडिया की हमारी मूवी जो शूट होती है कहाँ पे होती है, क्या करते हैं। मेरे को मूवियों का तो नाम याद नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे होती है। हम फाइनली मथुरा पर पहुँच गए हैं, ये हमारे इंडिया के रेड फोर्ट की तरह है। मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी देख सकते हैं। इधर मस्जिद मंदिर सब कुछ मिलेगा आपको मथुरा मार्ग से। आगे जाकर कृष्ण मंदिर है, शिव टेम्पल है, देखो आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बोटिंग का इधर हर चीज़ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे जाना था। अक्सर ओमान में कौवे नहीं दिखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं शहरा जो यहाँ रहते हैं वो लोग भी आपको कहेंगे। आप भी बताएं कैसा व्यू है इधर का। फाइनली ये मथुरा है, शो नहीं कर पा रहे हैं लाइट, थोड़ा सा नॉइसी हो रहा होगा क्योंकि ये हवा चल रही है काफ़ी, काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाके टेंपल है, मंदिर है, शिप्स हैं, काफ़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पे।
ये हमारे चाचा हैं राजस्थान से, काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छे हैं। चलो बोलो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और हमारे वीडियो को पूरी देखें, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। लोग काफ़ी इधर घूमने आ रहे हैं। मेरा पूरा निकाल दो ना, द बोट्स फ्लो पोरिंग द वाटर। ये शिप देख सकते हैं आप, मतलब बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, उससे भी ज़्यादा लोग इसके अंदर रहते हैं, हज़ारों की तादाद में। और समुंदर तो वेव्स, उसका कोई अंत ही नहीं है, नाम ही समुंदर है उसका। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, आप भी देख सकते हैं। ये पानी के फुव्वारे हैं, शिप के अंदर एक गांव बस जाएगा। ये बात तो सही कहा आपने, ये काफी बहुत बड़ी शिप है, लेकिन क्या कहते हैं, कैमरे थोड़ी छोटी लग रही हो। कोई नहीं, हम इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, दिखाएंगे आपको शिप करीब से आने वाले टाइम। आज बिल्कुल वाटर फ्लो नहीं है, वरना इधर से बाहर पानी छलकता है, पूरा बाहर आता है पानी, वाटर फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर चलते हैं हम ऊपर को अपनी जर्नी पे। कुछ ऐसा भी मिलेगा आपको मथुरा में, अगर आप पार्किंग लगाते हैं तो आपको कुछ ऐसे SMS कर। गाइस अगर आप इधर आते हैं तो आपको, आप डायरेक्टली पार्किंग नहीं लगा सकते यहाँ पे, आपको इस नंबर पे SMS करना पड़ता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 90091, और इसमें टाइम लिमिट भी होती है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं, अपने कार नंबर सेंड करते हैं इस नंबर पे, तो आपको टाइम लिमिट होती है, 20 मिनट कुछ मिलता है, जैसे कि हमने भी किया था। उसके बाद हमने दोबारा एक SMS किया है, जिसमें उन्होंने हमें 1 घंटा बढ़ा के दिया है। तो उस SMS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोन में क्लियर नहीं दिख पा रहा है आपको। क्या कहते हैं 19, ये जो नंबर दे रखा है 90091, इस पर आपको अपना व्हीकल नंबर लिख के, स्पेस आपका जो गाड़ी का जो अल्फ़ाबेट है वो टाइप करके, स्पेस आपको कितने मिनट के लिए पार्किंग चाहिए, ये सेंड करेंगे तो आपको 60 मिनट मैक्सिमम आप ले सकते हैं टाइमिंग, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विदाउट इसके अगर आप पार्किंग लगाते हैं तो आपको फ़ाइन होगा 30 रियाल का, जो समथिंग बहुत कॉस्टली है, 6000 इंडिया का। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी ऊपर। मस्कट का ये काफ़ी अच्छा व्यू है इधर। अगर आपको इधर के पॉर्श एरिया में ट्रैवल करना है तो आप इधर से बस कर सकते हैं, बिग बस ऑफ मस्कट, ये पूरे आपको अंदर पॉर्श एरिया में घुमाती है। 2 फ्लोर बस है, अप एंड डाउन, ऊपर से बिल्कुल ओपन है। ये सारे अमेरिकन लोग्स जो भी हैं बस के इंतज़ार में, टूरिस्ट बस, ये भी ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मीठा रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा व्यू है। फूड का रिव्यू हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने खाया नहीं है जल्दी आ जाओ, हमें फाइनली ऊपर जाना है। यहाँ जाने के भी क्या कहते हैं चार्जेस हैं, जैसे कि ये पर पर्सन 2 रियाल, इंडिया का 400 रुपये। तो हमने 2 टिकट लिए हैं क्योंकि मैं और ये जा रहे हैं। ज़्यादा लो, रुको, ये रूई का
जाने के लिए, लेकिन आपको टिकट लेनी पड़ेगी। कितने की? हम दो जने हैं तो 2-2 रियाल की। आप देख सकते हैं ये थक चुके हैं बिल्कुल, काफी ऊपर आ गए हैं। मथुरा फोर्ट ये हमारे इंडिया का रेड फोर्ट है, ये बिल्कुल थक चुके हैं। चलो आ जाओ ऊपर भी जाना है। हमारे गांव में हुए करते हैं ऐसे, लकड़ियाँ बांज की लकड़ियाँ कहते हैं। काफ़ी पुराने हैं इधर तो, पुराने किले पुराने गेट हैं, यादें रह जाती हैं कुछ ऐसी, जैसे अपने रेड फोर्ट है इंडिया में दिल्ली में, ऐसा ही कुछ है इधर। ये इधर का फोर्ट है। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, आप इधर का व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा है। ये मथुरा में ही हमारे इंडिया की वीडियो फिल्म शूटिंग होती है, देख सकते हैं आप शिप्स में। यहाँ के पुराने, वैसे इधर कोई वर्ल्ड वॉर या क्या कहते हैं कंट्री वॉर हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ की जो पुराने कह सकते हैं आप, यहाँ के पुराने वेपन्स है उनका कुछ दिखा रखा है थोड़ा। अगर आप अरबिक पढ़ सकते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देख पाएंगे तो इधर फोर्ट में कैफे भी है। इसकी टाइमिंग ये है, काफी पुराना किला है इधर भी। काफ़ी नॉइसी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पुराना है, यहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं पीछे जाके थोड़ा सा, काफ़ी पुराना किला है 1120 का। यहाँ पे केव है कुछ, इधर नहीं था यार, कब से बनाए? हाँ ये कैफे, मैं इधर 2-3 साल पहले आया था, कैफे नहीं था इधर। अच्छा हाँ हाँ 7-8 महीने हुए, आपको हिंदी में बहुत सारे लोग जाएंगे वो कैफे में, तो बांग्लादेश के हैं शायद। इधर कैफे का नजारा, यही मूवियाँ शूट होती हैं हमारे अंदर। काफ़ी बड़ी चीज कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी मूवी है, चल रही है, चलना स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं कहाँ जा रही है। Thank you.
ये क्रूज शिप अभी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं शिप काफ़ी मूवमेंट हो चुकी है, काफ़ी बड़ी शिप है, लोग उसके बाहर बहुत सारे दिख रहे हैं, लाखों की तादाद तो हो सकती है अंदर, इतनी बड़ी शिप है। बहुत दूर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कितनी दूर है, तब जाके ऐसी दिख रही है, और इससे बहुत बड़ी शिप है। ये वही जगह है जहाँ पे इंडिया की मूवी शूटिंग होती है, आप देख सकते हैं फुल मूवी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट होते हैं। काफ़ी इस तरीके से प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर हैं, काफ़ी बड़ा है, शूटिंग्स के काम आते होंगे ये चीज़ें, ये कोई प्रीव्यू दिखाने के काम आते होंगे। वाईफाई भी लगा हुआ है यहाँ पे डी लिंक का, जो कि पासवर्ड शेयरिंग नहीं है। काफ़ी अच्छा व्यू है हमारे इंडिया में, आप विजिट करेंगे इफ़ यू विजिटेड इन इंडिया यू कैन मूव ऑन इन रेड फोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। आप इंडिया में भी जाएंगे तो इससे ये भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। अगर आप इंडिया में जाएंगे तो काफ़ी आपको बड़ा किला मिलेगा रेड फोर्ट इन दिल्ली, ये भी इधर के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं, द व्यूज आर परफेक्ट। काफ़ी आगे मूव हो चुकी है, अपनी जगह से रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे आपको, तो फाइनली हम निकलते हैं नीचे को दोबारा। ये फोर्ट की वजह से यहाँ नीचे मार्केट भी है, काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें जो बिकती हैं सेलिंग होती हैं। हेलो हाय हाउ यू मना, काफ़ी नीचे आ गए हैं घर से ऊपर से।
नीचे फोर्ट काफी ऊपर था उधर। और ये कह रहे हैं ओमानी सिटीजन अगर इधर आते हैं तो एक रियाल पे करते हैं, यहाँ होगी तो आपको ये पकड़ लेंगे, कोशिश करेंगे। मतरा हमने इनको भी कहा है, आपको भी हम अपने यूट्यूब ब्लॉग में डालेंगे, तो हमारे चैनल देख लें डिस्कवर। काफ़ी अच्छा व्यू है बजा के, लेकिन काफ़ी अच्छा है मान का फ्लैग भी उधर ही लहराते हैं। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, ऊपर से काफ़ी ऊपर था, तो ये अब हम इधर की ट्रेडिशनल जो मार्केट है उधर आपको ले जाते हैं। हमारे इंडियन लोग भी इधर होते हैं, इंडियन बांग्लादेश पाकिस्तान सारे भाई लोग हमारे इधर मिलेंगे आपको मार्केट में।